वार्ड नंबर एक दे विच जो पोलिंग हो रही है उस दे विच मशीन नू पौन घंटा खड़ी नू हो गया, जेड़े के सारे लाइन दे विच लगे वोटर हैरान हो रहे ने। जो असी अंदर गए जाके प्रिजाइडिंग अफसर नू पुछया, एक जेड़ी टिक करदे ने 117 वोटां ने, जेड़ी मशीन है वह दिखा रही 134 वोटां, 17 वोटां दा घपला किया जा रहा है। ये जेड़े प्रिजाइडिंग अफसर ने अंदर ये किसी नाल मिले हुए ने ते किसी की सह ते मिले हुए ने, ते इन्हां नू तुरंत इसे टाइम इस प्रिजाइडिंग अफसर नू बदल के ते मशीन नू नवीं ला के वोटिंग चालू करानी चाहिए है। जिहड़ियां 17 वोटां दा घपला करिया वोट किसी की भी है वह 17 वोटां दा सानू रिजल्ट मिलना चाहिए है। मशीन नंबर अंदरों ये बारे मैं पता नहीं, मशीन अंदर नंबर लिखा हुआ है, एक ही मशीन है अंदर, दो नहीं है। जिहड़ा 17 वोटां दा घपला है ये बहुत वड्डा घपला है, ये प्रिजाइडिंग अफसर है जिहड़ा जां इत्थे दा प्रशासन है वह मिलिया हुआ है, रिजर्व लगी है लैन गए हुए ने। पर गल तो यह भी 117 वोटां पोल हुई जिहड़ी ट्रिक हुई खासा घपला ही है। 17 वोटां देखो एक गल सुनो, भी जितार तो 20 दी है, 17 वोटां तो इन्होंने पहली चकती मशीन च तुसीं बटन दबिया, मैनू की कि कौन दब गया, मेरा कैंडीडेट दब गया तो मेरे कि नहीं जाणगे ना, दूजा कोई दब गया हूँ। इस करके इत्थे दी SDM जिहड़ी ये SDM बिल्कुल कांग्रेस की वर्कर है, ये SDM नहीं हैगी, इस नू तुरंत इतों बदल के इस प्रिजाइडिंग अफसर नू बदल के वोटां की गिनती दोबारा चालू करानी चाहिए है। जे SDM ते डिप्टी कुछ नहीं करनगे, असी SDM ते डिप्टी के खिलाफ मैं हुणे इलैक्शन कमीशन जिहड़े कर्नल राजू जी ने जसविंदर संधु जी ने उन्होंने फोन पर गल करूँगा, इन्हों सस्पेंड कराऊँगा। देखो पोलिंग तो चल ही रही है पर सैटिस्फैक्टरी नहीं है, कितने हजूमा दे हजूम खड़े ने, जिहड़ी रूलिंग पार्टी है इन्हां दे जिहड़े आगू ने उन्हां नू हर तरीके दे नाल एडजस्ट किया जा रहा है। जिवें हुण तुसीं इत्थे देखो सामने कैमरा मार लो, 200 मीटर की दूरी एक क्राइटेरिया है कि पोलिंग बूथ तो, वह देख लो सामने इन्होंने पोलिंग भी ला रखिया, सारिया इतने झंडिया भी ला रखिया ने, ये जिन्ने कायदे कानून ने सारे साढ़े लहरा गागा विकास मंच लिए इन्होंने बनाए ने, इन ते कोई कायदा कानून नहीं लागू होंदा, ना कोई पुलिस अफसर का ध्यान आ, जे किसी पुलिस अफसर नूं कहने भी हाँ इस गल विच 8 वारी कहता, आ तुसीं बाद च दिखा दिओ मड़ जे कैमरा मार के भी ये बिल्कुल जड़ दे विच इन्होंने पोलिंग बूथ लाए हुए। इस तरह सारे वार्डां दे विच इन्हां दीआं गड्डियां भी उत्थे जा रहीआं ने, इन्हां दे सारे जिहड़े कैंडीडेट ने वह आपदे समर्थकां दे नाल गड्डियां च बंदे भी ढो रहे ने, गेट दे उत्ते ला के आउंदे ने, सारा प्रशासन इन्हां दी जिहड़ी है मदद कर। जिथे तक मैनू अंदरों जानकारी मिली है वोटां 117 पोल हुई ने, पर जिहड़ी मशीन खराब हुई कह रहे ने वो 134 शो कर रही है। हुण उह 17 वोटां वध किवें पै गईआं, ਕਿਹਦੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਜਾ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਔਰ ਹਲੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੋਈ ਹਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਇਸ। ਮੈਂ सिस्टम बहुत वधिया चल रहा है, पूरी जोरां शोरां ते सारे वोटर्स वालों वोटिंग की जा रही है और बिल्कुल सही वोटिंग चल रही है। 41% दे करीब वोटिंग इस टाइम तक हो चुकी है और सारे प्रबंध पूर्ण मुकम्मल किए गए सी और वधिया वोटिंग हो रही है। हाँ जी, हर बूथ ते जिहड़ी है लोकेशन दे उपर जिहड़ी है व्हीलचेयर दी जिथे भी प्रॉब्लम सीगी उत्थे सारी जगह ते सिविल हॉस्पिटल वालों ते प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो लैके भेजी जा चुकी है। वार्ड नंबर 1 दे विच मशीन दी समस्या आई सी जिहनूं 1 घंटा 1.5 घंटा लग चुका है, 17 जिहड़ियां वोटां पोल होईआं सी 134 दिखा रही।
नहीं ऐसा कुछ नहीं सीगा, साढ़े कोल जड़े ECIL वालों इंजीनियर डिप्यूट किए हुए सी वो सवेर दे 7 बजे दे ड्यूटी ते हैगे ने, जिथे भी मशीन खराब होंदी है उन्हूं जाके चेक कर दे, उत्थे थोड़ी उहदी मशीन दी बीप दी कुछ प्रॉब्लम आ रही सी तो उन्होंने जाके उन्हूं चेक किया है, तो उन्होंने उन्हूं सील करके उन्हूं रिप्लेस कर दिता हैगा, तो उहदी जड़े इंजीनियर जाँच करनगे।